नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक भारत के मॉडर्न हिस्ट्री में हम उत्तरवर्ती मुगल काल का अध्ययन कर रहे हैं। आज उत्तरवर्ती मुगल काल का अंतिम लेक्चर है, अंतिम क्लास है। इसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल समाप्त हो जाएगा और हम लोग प्रवेश करेंगे अब जो यूरोपियंस कंट्री आई थी उनके आगमन पर। हालांकि ये जो समय चल रहा है, जिस वक्त हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिस दौरान का, जिस काल का अध्ययन कर रहे हैं, ये काल हमारे यूपीएससी में मेंस में नहीं आता है। ये प्रीलियम्स के लिए है, इसलिए हम इसका सिर्फ मैक्रो अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, सिर्फ बड़े स्तर पर देखेंगे, जब उसकी गहराई में उनके कारणों को जानने का हम प्रयास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेंस में आता ही नहीं है, सिर्फ प्रीलियम्स के लिए आता है। जब हम देखेंगे प्लासी का युद्ध होता है, उस दिन से, उस युद्ध के बाद से लगातार मेंस का हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तब हम उसका माइक्रो अध्ययन करेंगे, बहुत सूक्ष्म जाकर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ऊपरी सतह का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के सीरीज में ये लगभग छठी वीडियो है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे और आज उत्तरवर्ती मुगल काल समाप्त हो जाएगा। नोट्स आप लोगों को लगातार बनवाए जा रहे हैं, नोट्स आप लोग अच्छी तरह से बनाइएगा, सुंदर से बनाइएगा, क्योंकि नोट्स तैयार होंगे तो आप कुछ भी किसी प्रकार की जंग लड़ सकते हैं। लेकिन बिना नोट्स के नोट्स हथियार होते हैं छात्रों के, और अगर नोट्स रहेंगे तो बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो हथियार तो आप लोग बिल्कुल तैयार रखिएगा हर वक्त, और हथियार को मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ। चलिए, हम लोग आलमगीर सेकंड तक का अध्ययन कर लिया था और आलमगीर सेकंड के बाद का आज अध्ययन शुरू करेंगे। आलमगीर सेकंड की जब मृत्यु होती है तो उसका पुत्र है अली गौहर। अली गौहर उस वक्त पटना में होता है और पटना में वो अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है, यानी कि अली गौहर शाह आलम सेकंड के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है पटना में। हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में दरबार में इस वक्त इमादुल मुल्क या गाजीउद्दीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और गाजीउद्दीन यहाँ पर कामबख्श के पुत्र मुइनुल मिल्लत को बादशाह घोषित कर देता है। यानी कि यह वो समय था जिस वक्त मुगल शासन में एक ही समय में दो बादशाह थे। पटना में शाह आलम द्वितीय के नाम से अली गौहर था, वहीं शाहजहां तृतीय के नाम से कामबख्श का लड़का मुइनुल मिल्लत को गाजीउद्दीन गद्दी पर बैठा देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा है, इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं है इस काल के बारे में। फिर हम शाह आलम द्वितीय का अध्ययन करेंगे और देखेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो जितना भी हम लोगों ने देखा उसको लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, फिर शाह आलम द्वितीय का अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालिएगा आप लोग शाहजहां तृतीय, हेडिंग डालिएगा शाहजहां तृतीय। और शाहजहां तृतीय का अगर हम काल की बात करते हैं तो 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 तक इनका काल देखने को मिलता है। 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 तक का काल शाहजहां तृतीय है। शाहजहां तृतीय क्या है? शाहजहां तृतीय कामबख्श का लड़का है जो शाहजहां तृतीय के नाम पर गद्दी पर बैठता है। चलिए लिखते हैं इसको। आलमगीर सेकंड की मृत्यु के समय आलमगीर सेकंड की मृत्यु के समय उसका पुत्र, हम लोगों ने आलमगीर सेकंड तक देख लिया था और देखा था कि इमादुल मुल्क या गाजीउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी थी और उस वक्त उसका जो पुत्र था जिसका नाम अली गौहर था, उसका पुत्र अली गौहर पटना में था। अली गौहर कहां था? पटना में था। वह वहां पर शाह आलम द्वितीय के नाम से, या उपाधि है उसकी शाह आलम सेकंड के नाम से, शाह आलम सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है, बैठ जाता है। वही इमादुल मुल्क या गाजीउद्दीन कामबख्श के पुत्र मुइनुल मिल्लत को शाहजहां तृतीय के नाम से दिल्ली में गद्दी पर बैठा देते हैं। उनका जो प्रभाव है वो लाल किले तक, वो दिल्ली तक सीमित है और बाकी क्षेत्र पर उनका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए, वही उसी समय
वहीं उसी समय दिल्ली में गाजीउद्दीन कामबख्श के पुत्र मुहीउल मिल्लत को, गाजीउद्दीन कामबख्श के पोत्र, कामबख्श का पोत्र मुहीउल मिल्लत को साहंजा थर्ड के नाम से गद्दी पर बैठा देता है। आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, देखिए नोट्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, उसको बैठा देता है, यानी कि ये वो समय जहां दो जगह, दो अलग अलग स्थानों पर दो बादशाह हैं। लिखिएगा, इस समय मुगल शासन के दो अलग अलग स्थानों पर दो बादशाह हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात कि क्या क्या है। अब हमारा जो अध्ययन का विषय है वो शाह आलम सेकंड है, और शाह आलम सेकंड के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बनती हैं। चलिए पहले इसका अध्ययन कर लेते हैं, शाह आलम सेकंड का, फिर इसका नोट्स बनाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, शाह आलम सेकंड देखते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला है। नोट्स जरूर बनाइएगा, शाह आलम सेकंड, सुंदर से नोट्स बनाइएगा, रंग बिरंगे नोट्स बनाइएगा, परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। चलिए, शाह आलम सेकंड को हम बनाते हैं। शाह आलम सेकंड का नाम मालूम हमको, अली गौहर था, ये आलमगीर सेकंड का पुत्र था जो गद्दी पर बैठा था। इसने उस वक्त ये पटना में था, और पटना में ये अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है और शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। क्लियर है? इतनी बात तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देख ली थी। आज इससे अभी अध्ययन करते हैं। इसका अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1759 से 1806 तक इसका कार्यकाल रहता है। 1759 से लेकर 1806 तक इसका काल रहता है। चलिए इसको एक बार फ्रेमिंग कर लेते हैं, इसको एक बार बना लेते हैं। देखिए हुआ क्या क्या था इसके काल में। 1759 में ये गद्दी पर क्या बैठता है, ये पटना में ही रहता है, दिल्ली में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। कारण क्या है? दिल्ली में बैठा हुआ गाजुद्दीन या इमादुल मुल्क। और 1759 से लेकर 1761 तक गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर जो व्यक्ति है जिसका अधिकार है वो है गाजीउद्दीन या इमादुल मुल्क। गाजीउद्दीन या इमादुल मुल्क, दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं, इमादुल मुल्क। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? ये हिम्मत ही नहीं कर पाता है दिल्ली में आने की, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ है गाजीउद्दीन। उसी समय, इसी दौरान 1761 को हो जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों में कौन थे? बालाजी बाजीराव के बीच में युद्ध हो जाता है। बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलता, ना तो अहमद शाह जीतता है ना बालाजी बाजीराव जीतता है, लेकिन इसमें भयंकर युद्ध होता है और बहुत सारे मराठों की यहाँ पर हत्या हो जाती है। कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में कि कोई भी ऐसा मराठा परिवार नहीं था जिस परिवार में किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो। दूसरी बात जो कही जाती है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने
इस बात का निर्णय कर दिया था कि अब कौन शासन नहीं करेगा। उस वक्त पेशवाओं के अधीन मराठों की शक्ति चरम पर थी, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। यहाँ तक कि बालाजी बाजीराव भी इसी हारने को पचा नहीं पाते, उनकी भी जल्दी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस युद्ध ने यह डिसाइड कर दिया था कि कौन शासन करेगा, इसका निर्धारण नहीं किया था, बल्कि इसका निर्धारण करेगा कि कौन शासन नहीं करेगा। तो ये पानीपत का युद्ध होता है 1761 में, और 1761 के बाद दिल्ली पर बैठा दिए जाते हैं रुहेला नेता। कौन? 1761 में बैठा दिए जाते हैं दिल्ली पर, रुहेला नेताओं का अधिकार हो जाता है। और रुहेला नेताओं में तीन नेता है, एक नौबत खां, उसका लड़का जौबत खां, और फिर गुलाम कादिर। नौबत खां, नवाबुद्दीन भी कहा गया है इसको कहीं पर, नौबत खां, लड़का जौबत खां, और इसका पोता गुलाम कादिर। ठीक है, इन लोगों का यहां पर शासन रहता है 1761 से लेकर 1772 तक। 1761 से 1772 तक ये लोग दिल्ली पर काबिज रहते हैं। इसी दौरान 1764 का हो जाता है बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध 1764 में। यहां से प्रश्न आता है कि बक्सर के युद्ध के समय कौन मुगल शासक था? तो था शाह आलम सेकंड। और यहां पर 1764 के बाद इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष था। इस त्रिकोणीय संघर्ष में दो इलाहाबाद की संधियां होती हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। एक संधि होती है अवध के नवाब के साथ, और दूसरी संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, बक्सर के युद्ध को हारने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। और इस इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की संपूर्ण जो राजस्व वसूल करने का है दीवानी, वो दे दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इस संधि के में क्या होता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दे दी जाती है। 1772 में, 1772 में ये कौन? शाह आलम द्वितीय मराठा नेता माधवराव की मदद से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी कि दिल्ली में ये प्रवेश करता है 1772 के लिए। 1772 में माधवराव की मदद से, माधवराव कौन है? पेशो माधवराव। माधवराव की मदद से दिल्ली में गद्दी पर बैठता है, दिल्ली में गद्दी पर बैठता है। 1780 में एक घटना और घटित होती है। 1780 में गुलाम कादिर इसको अंधा कर देता है और जेल में डाल देता है। 1780 में क्या? गुलाम कादिर इसको अंधा कर देता है और जेल में डाल देता है। फिर से मराठा इसके तारणहार बनते हैं और वो जेल से निकाल कर इसको फिर से आसीन करते हैं गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, तो ये मराठों की मदद से शासन करने वाला व्यक्ति बन जाता है। 1803 में ये सब कुछ चल ही रहा था। इसके सामने देखिए बहुत बड़ी बड़ी काम हुए हैं, अभी हम लोग जब नोट्स बनाएंगे तो और लिखेंगे। 1803 में दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। 1803 में क्या हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है दिल्ली पर। लिख लेते हैं 1803 में क्या होता है, देखिए महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार, दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है, और शाह आलम आ जाता है पेंशन पर। इसको पेंशन देकर सिर्फ कह दिया जाता है कि आप लाल किले में बैठिएगा और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अधिकार किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। 1806 में लॉर्ड वेलेजली और शाह आलम सेकंड के नाम पर सांकेतिक मुद्रा निकलती है। 1806 में क्या होता है? लॉर्ड वेलेजली और शाह आलम सेकंड के हस्ताक्षर युक्त, के हस्ताक्षर युक्त सांकेतिक मुद्रा का चलन प्रारंभ होता है। सांकेतिक मुद्रा का चलन प्रारंभ होता है।
ठीक है, सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ होती है 1806 में। ये करी गई थी बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जारी, कौन सी है, बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जारी, और 1806 में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अकबर शाह सेकंड गद्दी पर बैठेगा और फिर हम उसको समझेंगे। तो फिलहाल शाह आलम द्वितीय को हम लोग लिख लेते हैं, जो जो नोट्स इसके महत्वपूर्ण बनेंगी बातें वो सारी बातें इसमें लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं प्रीलियम्स में, और प्रीलियम्स के हिसाब से ही हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उस काल में नहीं पहुँचे हैं जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं। मेंस में 1757 के युद्ध के बाद से प्रश्न बने हुए हैं, तब हम उसका अध्ययन करेंगे। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, शाह आलम सेकंड के बारे में हमने लिख लिया, देखते हैं। देखिएगा इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। हम लोगों ने अभी देखा था अली गौहर था, यह आलमगीर सेकंड का पुत्र था, यह आलमगीर सेकंड का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के समय, अपने पिता की मृत्यु के समय, पिता की मृत्यु के समय यह पटना में था, यह पटना में था, वहां इसने अपने आप को, अपने आप को शाह आलम सेकंड की उपाधि के साथ, को शाह आलम सेकंड की उपाधि के साथ 22 दिसंबर 1759 को बादशाह घोषित कर देता है, बादशाह घोषित कर देता है, बादशाह घोषित कर देता है, ठीक है। लेकिन यह दिल्ली में प्रवेश नहीं करता, दिल्ली में प्रवेश न करने के कारण है गाजुद्दीन या इमादुल मुल्क, लेकिन यह दिल्ली में प्रवेश नहीं करता, दिल्ली में प्रवेश नहीं करता। कारण क्या था, कारण था गाजीउद्दीन या इमादुल मुल्क, लिख लीजिएगा आगे, गाजीउद्दीन के प्रभाव के कारण, गाजीउद्दीन के प्रभाव के कारण, ठीक है। अब इसके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को देख लेते हैं। एक होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली तथा पेशवा, तथा पेशवा बालाजी बाजीराव बाजीराव के बीच संघर्ष होता है, के बीच संघर्ष होता है, और यह युद्ध अनिर्णय की स्थिति में समाप्त होता है, और यह युद्ध अनिर्णय की स्थिति में, अनिर्णय की स्थिति में समाप्त होता है। लेकिन इस युद्ध के कारण दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाता है और उस पर रूहेला सरदारों का कब्जा हो जाता है। इस युद्ध के कारण कौन गद्दी पर, दिल्ली पर कौन बैठा था, अहमद शाह अब्दाली, रूहेला सरदारों को बैठा जाता है। इस युद्ध के कारण
दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाता है, दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाता है और उस पर रूहेला सरदारों का कब्जा हो जाता है। कौन कौन है रूहेला सरदार? नौबत खां, उसका पुत्र जौबत खां और उसका पोता गुलाम कादिर। ठीक है, कौन कौन से हैं? नौबत खां, जौबत खां, ठीक है, ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं और लड़का है, नाती है गुलाम कादिर। इन लोगों का कब्जा हो जाता है। 1761 की घटना है। अब इसी समय 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक, 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध हो जाता है। और 1765 में दिख रहा है आप लोगों को, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, देखिए नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स जरूरी हैं और पूरा नोट्स बनाइएगा, जरूर लिखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक अवध के नवाब के साथ हुई थी, दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ हुई थी। इलाहाबाद की संधि होती है और इसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। इसमें एक कड़ा जिला भी जो इलाहाबाद के पास में है वो मिला था मुगल बादशाह के लिए। चलिए वो जब हम आगे देखेंगे इलाहाबाद के संधि तब अध्ययन करेंगे। 1765 की घटना हो गई। 1772 में पेशवा माधव राव की मदद से यह दिल्ली में प्रवेश करता है, यह दिल्ली में प्रवेश करता है, ठीक है। तो 1772 तक ये दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता है, लेकिन 1800 में गुलाम कादिर, इसे अंधा करके जेल में डाल देता है। फिर से मराठे इसको जेल से निकालते हैं और गद्दी पर बैठाते हैं। चलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लिख लेते हैं। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली पर अधिकार कर लेती है। दिल्ली पर अधिकार किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में कर लिया। और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की पेंशन पा जाते हैं, यानी कि पेंशन ग्रहण करने वाला ये प्रथम मुगल बादशाह बनते हैं। दिल्ली पर अधिकार कर देते हैं और बादशाह या सम्राट कुछ भी कर लीजिए, राजा कर लीजिए, और बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन जाता है, पेंशनर बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 1806 में लॉर्ड वेलेजली तथा
लॉर्ड बेलेजी तथा शाह आलम सेकंड के हस्ताक्षर युक्त सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन होता है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1806 में होता है और ये जो मुद्रा थी ये छापी गई थी बैंक ऑफ बंगाल द्वारा। इस मुद्रा का प्रचलन बैंक ऑफ बंगाल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए 1806 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए लिख लीजिए, पूरे इस नोट्स को बना लीजिएगा, क्या हुआ 1806 में इसकी मृत्यु हो गया। उसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अकबर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठता है। चलिए, अकबर शाह द्वितीय के बारे में कोई ऐसी खास बात नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अंग्रेजों के अधिकार में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह बनता है अकबर शाह सेकंड। साथ में अपनी पेंशन के मसले को सॉल्व करने के लिए इसने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था। इंग्लैंड भेजा था और इसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो अकबर सेकंड नाम आता है। हालांकि अकबर सेकंड औरंगजेब का पुत्र था, इसका नाम और अकबर शाह द्वितीय है, क्योंकि अकबर सेकंड तो औरंगजेब का पुत्र था। गलत लिख बोल देते हैं हम लोग, अकबर सेकंड औरंगजेब का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, अकबर शाह द्वितीय। अठारह सौ छह से 1837 तक इसका कार्यकाल देखने को मिलता है। 1806 से इसके बारे में क्या है, ये अंग्रेजों की रहमो करम पर गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक बनता है। साथ में इसकी जो शासन रह जाता है, बादशाहत रह जाती है, वो सिर्फ लाल किले तक सीमित रह जाती है। अपने पेंशन के मसले को सॉल्व करने के लिए इसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। हालांकि राजा राम मोहन राय की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला ये सम्राट बनता है अकबर सेकंड। ठीक है, चलिए कौन था ये शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। देखिएगा, यह है शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। अंग्रेजों के अधीन गद्दी पर बैठने वाला यह पहला मुगल शासक था। नेक्स्ट देखिएगा, इसकी वादशाहत केवल लाल किले तक थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अपनी पेंशन के मसले को हल करने के लिए इसने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था। राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। इसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। दूसरी बार
1835 में मुगलों की साली टकसालें बंद होकर अंग्रेजों की टकसालें शुरू हो गई थी। अभी हम लोगों ने देखा कि जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था उस वक्त फर्रुखसियर के समय में था। बंबई में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टकसाल बनाई थी, फर्रुखसियर में हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेकिन मुगलों की भी मुद्रा का प्रचलन चल रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी मुद्रा का प्रचलन चल रहा था, लेकिन इसके समय में यानी कि अकबर सेकंड के समय में सारी मुगलों की टकसालें समाप्त हो गई। अब सिर्फ बची थी ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसालें, यानी कि मार्केट में जो मुद्रा चल रही थी वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की चल रही थी। इसके समय में सारी टकसालें बंद हो गई थी। देखिएगा 1835 में मुगलों की सारी टकसालें बंद हो गई। टकसाल क्या होता है? टकसाल वो स्थान होता है जहां पर नोट छपते हैं या सिक्के बनते हैं। मुगलों की सारी टकसालें समाप्त हो गई थी, सारी टकसालें समाप्त हो गई या बंद हो गई, समाप्त नहीं बंद हो गई, बंद हो गई। ठीक है, 1837 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1837 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कौन बैठेगा? बहादुर शाह जफर बैठेंगे और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। लिखिए, बहादुर शाह जफर कब से कब तक? 1837 से लेकर 1857 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये जफर उपनाम से शायरी लिखा करते थे। ठीक है, क्या था? लिखिएगा, ये जफर उपनाम से, जफर उपनाम से शायरी लिखा करते थे, शायरी लिखा करते थे। ये नाम मात्र के शासक थे, इनका कोई वजूद नहीं था पूरी तरह। उस वक्त देख रहे हैं आप लोग, अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया था भारत पर, तो ये नाम मात्र के शासक थे। देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के कारण इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये प्रश्न आता है कि बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह सेकंड को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था और वहाँ से गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गिरफ्तार किया गया तथा इन्हें रंगून भेजा गया जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1862 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई, रंगून भेजा गया, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के साथ ही मुगल सत्ता की समाप्ति हो गई। जिस मुगल सत्ता को बाबर ने बड़ी मेहनत से बनाया था, बाबर के बाद अकबर जहांगीर और हुमायूं, अकबर जहांगीर सांझा औरंगजेब ने तक उसका विस्तार किया था, उसके बाद बड़े योग्य इनके पुत्र पैदा हुए और उन सारे योग्य पुत्रों ने बंटाधार कर दिया पूरे शासन व्यवस्था का। और बहादुर शाह जफर तक आगे हम देखा कि ये सिर्फ शायरी लिखते थे और रंगून में 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया उत्तरवर्ती मुगल काल का। इसमें एक नादिर शाह का आक्रमण और बचा हुआ है और उस नादिर शाह के आक्रमण के बाद ये पूरा हमारा उत्तरवर्ती मुगल काल समाप्त हो जाएगा।
ठीक है। अगर चाहो तो मैं अभी आपको नादिर शाह का आक्रमण भी करा देता हूँ जिससे कि पूरा ये समाप्त हो जाए, ठीक है। तो नादिर शाह के आक्रमण के आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में वैसे भी नहीं आने वाला है। मैं कहानी सुना देता हूँ और आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग डालिएगा आप लोग, नादिर शाह का आक्रमण। अभी समय है, थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग जिससे कि ये पूरा समाप्त हो सके। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण आप लोग समझ लीजिएगा कि नादिर शाह का आक्रमण क्या था और ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। 1688 में इसका खुरासान में जन्म होता है। 1688 में इसका जन्म होता है, कहां पर होता है? खुरासान नामक स्थान पर। और ये फारस का शासक बनता है। एक गरड़िय से इसने अपना जीवन शुरू करा था और धीरे धीरे करके ये फारस का शासक बन जाता है। फारस का शासक बनता है। ठीक है, ये तो इसके अपने जीवन की बात रही। अब बात करते हैं कि इसका भारत पर आक्रमण कैसे होता है, क्या कारण है। देखिए, भारत पर जो आक्रमण का इसका प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद शाह की नीति को। अगर हम इसके कारणों की बात करें, हेडिंग डालिएगा आप लोग कारण। अगर हम कारण की बात करें तो दो कारण यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला कारण यह है कि इसका अफगानों के साथ युद्ध चल रहा था। नादिर शाह का अफगानों के साथ युद्ध कर रहा था। ये गजनी काबुल पर इसने अधिकार कर लिया था और अफगानों के साथ युद्ध में करता था और अफगान भागकर भारत में मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में आ जाते थे और शरण ले लिया करते थे। नादिर शाह कई बार कहता था मोहम्मद शाह से कि आप अफगानों को अपने यहाँ शरण मत दीजिएगा, लेकिन मोहम्मद शाह उनको शरण देता रहा। तो पहला कारण तो था अफगानों को शरण देने का। दूसरा कारण था कि जब नादिर शाह फारस की सत्ता पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, तो मोहम्मद शाह फारस से अपने राजदूत को वापस बुला लेता है। उससे पहले फारस में मोहम्मद शाह का राजदूत था, दोनों के अच्छे राजनीतिक संबंध थे, लेकिन जैसे ही नादिर शाह गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह वहाँ से अपने राजदूत को वापस बुला लेता है। नादिर शाह इस मसले को सॉल्व करने के लिए 3 बार अपने दूत को भेजता है, 2 बार कोई जवाब नहीं देता, 3री बार 1 साल के लिए रोका जाता है और 1 साल रोकने के बावजूद भी उसको दरबार में बुलाकर उसको उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इस बात को जाकर दूत नादिर शाह को कहता है, इसका नाम नादिर अली था, उससे जाकर कहता है और वो यहाँ पर युद्ध करने के लिए उसको वाजिब कारण मिल जाता है। दो कारण देखे कि नादिर शाह का अफगानों के साथ युद्ध चलता था और अफगान भागते थे वहाँ से और मोहम्मद शाह के समय के दरबार में आकर शरण ले लिया करते थे। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से कहा था कि आप इन अफगानों को शरण ना दो, लेकिन मोहम्मद शाह उनको बार बार शरण देता रहा। पहला कारण था। दूसरा कारण था कि फारस के दरबार में नादिर शाह के राजा बनने से पहले फारस के दरबार में मोहम्मद शाह यानी कि मुगलों का वहाँ पर राजदूत रहा करता था। जैसे ही नादिर शाह ने वहाँ की सत्ता संभाली मोहम्मद शाह ने क्या किया, अपना दूत वहाँ से बुला लिया। इस मसले को सॉल्व करने के लिए नादिर शाह 3 बार अपने दूत को भेजता है और 3ों बार ही कोई जवाब नहीं मिलता, 3री बार तो उसको दरबार में बुलाकर उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है। ये कारण था। तीसरा अगर हम और कारण देखें तो भारत की समृद्धि की चर्चा नादिर शाह ने सुन रखी थी और नादिर शाह का एक फेमस डायलॉग था कि वो कहा करता कि सोने की चिड़िया में कुछ परों पर तो मेरा भी अधिकार है। इस सोने की चिड़िया जो कि भारत के लिए कहा जाता है, सोने की चिड़िया के कुछ परों पर तो मेरा भी अधिकार है। साथ में मुगल दरबार में कुछ ऐसे सरदार थे जो चाहते थे कि मीर बख्शी का पद उसको मिल जाए, जिसमें अवध का नवाब सादत खां भी प्रमुख था। उन लोगों ने भी नादिर शाह को आमंत्रित किया कि आप मुगल दरबार पर, मुगल सल्तनत पर आक्रमण कीजिए। साथ में पश्चिमोत्तर प्रांत की स्थिति देखते हैं तो पश्चिमोत्तर, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला स्वयं में अक्षम राजा था और वो किसी प्रकार के आक्रमण को रोकने में सक्षम ही नहीं था। ये सब वो कारण थे जिन कारणों की वजह से नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। अब जब भारत पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले रास्ते में उसको मिलता है नज़ीर खां,
रास्ते में मिलता है उसको नासिर खान, जो कि काबुल का मुगल सरदार है। वहाँ पर 1738 में नादिर शाह हमला करता है, काबुल के मुगल सरदार है नासिर खान, उस पर सबसे पहले हमला करता है 1738 में। और 1738 में अगर हम उस वक्त देखते हैं कि यहाँ पर मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आक्रमण होता है, यानी कि 1738 में वो आक्रमण करता है काबुल पर, और काबुल पर उस वक्त बैठा हुआ है मुगल सरदार नासिर खां, और ये नासिर खां को यहाँ पर पराजित कर देता है। इस पराजय की खबर पहुँचती है मोहम्मद शाह रंगीला के पास, और मोहम्मद शाह रंगीला वहाँ पर अपना पेट डायलॉग बोलता है, दिल्ली अभी दूर है, यानी काबुल की घटना हो रही है, दिल्ली अभी दूर है, यानी कि नादिर शाह को अभी आने में समय लगेगा। चलिए, ये सब घटना हो रही थी, इसके अगली बार तुरंत ही 1738 में आक्रमण कर देता है ये पंजाब पर, 1739 में पंजाब पर यह आक्रमण कर देता है। वहाँ मिलता है इसको जकारिया खां, 1739 में क्या करता है, ये पंजाब पर आक्रमण कर देता है, और वहां मिलता है इसको जकारिया खां, और जकारिया खां को भी ये पराजित कर देता है, यानी कि 1738 में काबुल में नासिर खां को पराजित किया, 1739 में ये पंजाब में जकारिया खां को पराजित कर देता है। जब जकारिया खां पराजित होता है तो मोहम्मद शाह को लगता है कि अब कुछ करने का समय आ चुका है, और वो अपने दो विश्वस्त लोगों को बुलाता है। किनको बुलाता है? कर्नाटक के सूबेदार निजामुल मुल्क के लिए, जो उसका सबसे भरोसेमंद था, जिन्होंने निजामुल मुल्क जिसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी, निजामुल मुल्क उसका मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी था। और बुलाता है, ये कौन था? कर्नाटक का, यह दक्षिण का कह सकते हैं इसके लिए, और बुलाता है अवध के सरदार सादत खां को। ठीक है, इन दोनों को बुलाता है, कहता है कि जाकर नादिर शाह का रास्ता रोकिए, और दोनों पहुंच जाते हैं करनाल नामक स्थान पर, और जाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। ये जो सादत खां था, ये सादत खां स्वयं मीर बख्शी बनना चाहता था, इसलिए सादत खां ने बड़े बेमन से युद्ध में उतरा था। इन दोनों ने कहा कि अपनी सेनाओं को लेकर पहुंचिए, सादत खां वो कहता है निजामुल मुल्क से आप पहुंचिए, मैं अपनी सेना को संगठित करके लाता हूं। निजामुल मुल्क सामने आ जाता है नादिर शाह के, और सादत खां तब तक आ ही नहीं पाते हैं, एक उनकी चाल थी, क्योंकि वो स्वयं चाहता था कि निजामुल मुल्क यहाँ पर मर जाए। दोनों में युद्ध हो जाता है, सादत खां भी आता है सिर्फ अपने 30,000 सैनिकों के साथ, और युद्ध में बेमन से भाग लेता है। जब बेमन से भाग लेता है तो 3 घंटे में ये युद्ध नासिर खां द्वारा जीत लिया जाता है, नादिर शाह द्वारा ये युद्ध 3 घंटे में ही जीत लिया जाता है। और इस युद्ध में निजामुल मुल्क और सादत खां परास्त हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नादिर शाह मोहम्मद शाह की तरफ से एक उनका वार्तालाप बनकर जानता है, वार्ताकार बन के जाता है, और निजामुल मुल्क कहता है कि आपको हम 20 लाख रुपए प्रदान करेंगे, और नादिर शाह यहाँ पर 20 लाख रुपए लेने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, 20 लाख रुपए आप हमको दे दीजिए और हम वापस चले जाएंगे। सादत खां सोचता है बड़ा आसानी से मामला निबट गया, मैंने तो सोचा था कि निजामुल मुल्क मर जाएगा, मैं मीर बख्शी बन जाऊंगा, यहाँ तो मामला 20 लाख में निबट गया, ना तो निजामुल मुल्क मरा और ना ही इसका अधिकार हुआ। अब सादत खां यहाँ पर जाता है चुपचाप नादिर शाह के दरबार में, और कहता है कि अरे आप तो बेवकूफ बन गए, 20 लाख रुपये दिल्ली पर अटैक करो, 20 करोड़ मिलेंगे। नादिर शाह समझ गया भाई मामला सही है, दिल्ली पर अटैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को अपने दरबार, अपने तंबू में बुलाता है, जो उसका कैंप था, टेंट लगा हुआ था, उसमें बुलाता है। मोहम्मद शाह समझे कि निजामुल मुल्क ने तो सेटिंग कर ली है 20 लाख रुपए में, चलो मिल जाते हैं, मिलने पहुँच गए, और उस मिलने में नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को अरेस्ट कर लेता है, और उसकी निकालता है बारात। बारात निकलती है दिल्ली के सड़कों पर, शालीमार गार्डन जहाँ पर है वर्तमान में, वहाँ पर इसको रोका जाता है नादिर शाह के लिए, इसकी पूरी सेना को शालीमार गार्डन में रोका जाता है, और मोहम्मद शाह से कहता है कि आप जाओ और हमारे स्वागत की तैयारी कीजिएगा। और शालीमार गार्डन से लेकर लाल किले तक हर जगह जो मुगल
सरदार हैं, मुगल सैनिक हैं, वो सिर झुकाए खड़े हैं और नादिर शाह की पालकी निकल रही है, नादिर शाह का जुलूस निकल रहा है दिल्ली की सड़कों पर। 20 लाख पर मामला निबट रहा था, सादत खान नामक गद्दार ने मामला कर दिया उल्टा। खैर पहुँचे, 20 करोड़ रुपये देने थे, 20 करोड़ दिए। उसने कहा शाही खजाना खोल कर दिखाओ हमारे लिए। मोहम्मद शाह ने शाही खजाना खोल कर दिखा दिया, जो चाहिए था उसने वो लिया, वहाँ से शाही खजाने से जो चाहिए था वो लिया। मामला बड़ा शांति से निबट रहा था, कोई बात नहीं। दूसरे दिन नादिर शाह को जाना था। इस रात में, एक दिन पहले की रात में मामला हो गया उल्टा। कई जगह इतिहास की पुस्तकों में कई सारे कारण लिखे हुए थे। एक कारण लिखा हुआ आया था कि नादिर शाह के सैनिकों ने कुछ कबूतरों को पकड़ लिया था और उन कबूतरों की वजह से स्थानीय लोगों में और नादिर शाह के सैनिकों के बीच में युद्ध हो गया, एक कारण ये भी लिखा जाता है। दूसरा कारण ये था कि नादिर शाह के सैनिक व्यापारियों से सस्ते में माल लेना चाहते थे, जबकि वो उसे उसी रेट में देने की कोशिश कर रहे थे व्यापारी। इस बात पर लेकर दोनों में भी झड़प हो गया। और तीसरी घटना एक और मिलती है, तीसरी घटना ये मिलती है कि ये अफवाह फैल गई थी दिल्ली की सड़कों पर कि निज़ामुल मुल्क ने लाल किले के अंदर नादिर शाह की हत्या कर दी है। अब जब ये खबर पहुंची, चाहे तीनों में खबरों में कोई भी बात सत्य हो, क्योंकि इतिहास की तीन अलग अलग पुस्तकों में तीन घटनाओं का जिक्र मिला है, गिरधारी लाल जी अलग कहते हैं, एस के पांडे जी अलग कहते हैं, तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग चीज़ें मिली हैं, लेकिन तीनों में जो भी कारण सत्य रहा हो, कुल मिलाकर नादिर शाह के सैनिक और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई और उसमें कुछ नादिर शाह के सैनिक मारे गए। ये खबर नादिर शाह को पहुँचती है और नादिर शाह कहते हैं चलिए हम देखते हैं इसको कल सुबह क्या हुआ। नादिर शाह दूसरे दिन निकलते हैं और पहुंच जाते हैं सुनहरी मस्जिद के पास में। आज भी सुनहरी मस्जिद है लाल किले के पास में, उसका गुंबद जो है वो सोने का मढ़ा हुआ था, इसलिए उसको सुनहरी मस्जिद कहा जाता था। सुनहरी मस्जिद पर पहुंचता है नादिर शाह, उसी समय पता नहीं पास की छत से एक गोली चलती है और गोली नादिर शाह के पास से होकर उसका जो सबसे विश्वस्त आदमी था उसको लग जाती है, उसका अंगरक्षक जो था। जब गोली लग जाती है तो नादिर शाह यहाँ पर पागल हो जाता है और नादिर शाह सुनहरी मस्जिद पर चल जाता है और वो अपनी नंगी तलवार म्यान से निकाल लेता है, अपनी तलवार निकाल लेता है और आदेश देता है कि जब तक इस तलवार को मैं वापस म्यान में ना रखूं तब तक दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम होना चाहिए। और साफ तलवार निकल गई, कत्लेआम शुरू। दिल्ली के दरबार में, दिल्ली की सड़कों पर लगातार कत्लेआम हो रहे थे। नादिर शाह के सैनिक जो मिल रहा था उसकी हत्या कर रहे थे। स्थिति ये थी कि सड़कें लाशों से पट गई थी। निज़ामुल मुल्क यहाँ पर जाकर पैरों में गिर जाता है नादिर शाह के और कहता है कि भैया प्रभु अब बस करो, अगर आपको लोगों को मारना ही है तो जो मर चुके पहले उनको जीवित करो फिर मारो उनके लिए, क्योंकि अब दिल्ली में लोग ही नहीं बचे हैं, सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। तब नादिर शाह उस तलवार को जो निकली हुई थी उसको म्यान के अंदर करता है और ये रक्तपात समाप्त होता है। सब कुछ शांति से चल रहा था, वो उस गोली ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब नंबर आता है वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोग लूटे जाते हैं, जितने लोग बचे थे घरों को लूटा जाता है, सोना चांदी लूटा जाता है। इतिहास में तो ये कहा जाता है कि वो 1500 घोड़े, 1200 ऊँट, 600 हाथी और अनगिनत बैलगाड़ियाँ में लाद कर यहाँ से माल ले गया था, कोहिनूर हीरा को ले गया था, तख्ते ताऊस को ले गया था, इन सब चीज़ों को वो अपने साथ ले जाता है। यानी कि 1739 का वो आक्रमण नादिर शाह का मोहम्मद शाह रंगीला की एक गलती की वजह से, कि दिल्ली अभी दूर है, की वजह से देश को तहस नहस कर दिया। तो ये नादिर शाह का हमला था, नादिर शाह के आक्रमण के बारे में था। इम्पोर्टेंट है कि किसके समय में हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पर युद्ध हुआ था, ठीक है, या मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हीरा किसने छीना या युद्ध में जीता, जो भी कुछ कहेंगे, तो नादिर शाह था और इस नादिर शाह के साथ हमारा उत्तरवर्ती मुगल काल समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब यूरोपियन कंपनी के आगमन का अध्ययन करेंगे और उसका फिर आगे किस तरह होगा उसको अध्ययन करेंगे।
ठीक है, जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा तुरंत हम लाइव टेस्ट लिया करेंगे, जिसकी सूचना आपको यूट्यूब के माध्यम से या हमारे फेसबुक ग्रुप या पेज के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। पंचऋषि क्लासेस को आप लोग सर्च कर लीजिएगा, चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, चाहे हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी चाहे वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सूचनाएँ मिलती रहेंगी कि कौन कौन से लाइव टेस्ट अब होने वाले हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल काल के बाद तुरंत इसका लाइव टेस्ट होगा, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज हमारा उत्तरवर्ती मुगल काल समाप्त हुआ और इसी के साथ आप लोग मुझको अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।